गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा पंचम एवं षष्ठम के लिए अजेंडे रामायण पार्ट टू में वर्ण विचार करवाएंगे। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस लघुतम चिन्ह को कहते हैं, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताया गया है कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों के वर्णों को अलग अलग किया गया। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट में लिखा हुआ है खुशबू, यहाँ पर खुशबू के वर्णों को अलग अलग कर दिया गया है। व हलन जोर, उ जोर, स हलन जोर, अ हलन क जोर, व हलन जोर, उ बराबर खुशबू। तो ये सभी जो वर्ण हैं इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि ये सभी वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरा है खै, खै के वर्णों को अलग कर दिया गया है, वह अलग जो है बराबर है। तीसरा है क्या, क्या सब के वर्णों को अलग अलग कर दिया है। इसका आप देख रहे होंगे क हलन जोड़, यह हलन जोड़, आ बराबर होता है क्या। ये सभी जो वर्ण हैं उनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब आगे आएंगे दो में वर्णमाला। जब सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। पहला लिखा हुआ है स्वर, क्रमबद्ध समूह देख रहे हैं आप। तो पहला में स्वर बता रहे हैं अ से अव तक स्वर होता है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं 11 वो आपको बता दें, अ अ अकार आ हर्षई दीर्घई हर्षव दुर्घव री ए ए ओ अ। तो अ से अ तक 11 स्वर होते हैं। अब नीचे आइए आगत स्वर जो आप देख रहे हैं जिसे पढ़ा जाता है औ, औ को आगत स्वर कहा जाता है। इसके ऊपर जो इस तरह से देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं अर्धचंद, ये अंग्रेजी भाषा से आया स्वर है। इससे शब्द बनता है जिसे उदाहरण में आपको बताते हैं डॉक्टर, डॉक्टर है जो आपको बताते हैं ड का ड के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अर्धचंद्र जिसे कहते हैं उसे आगत स्वर कहते हैं अ, जो ऊपर देख रहे हैं अर्धचंद्र के जैसा है। अब नीचे आएंगे अयोग वा, आ के ऊपर जो बिंदु है तो इसको हम पढ़ेंगे अंत, और इसके बाद में है अ, जो अ के बाद एक ऊपर बिंदु है एक नीचे बिंदु है, अ विसर्ग जिसको पढ़ा जाता है। अब नीचे आएंगे व्यंजन, व्यंजन में देख रहे होंगे क अनंत है, ख अनंत है, ग अनंत है, घ अनंत है, अर अनंत है। तो हलंत इसलिए लगाया हुआ है, हलंत लगा देने से ये स्वर रहित हो जाता है। कहने का मतलब ये पूरी तरह से व्यंजन वर्ण बन जाता है, इसीलिए सभी वर्णों में हलंत लगाया जाता है।
से लेके आ रहा था क ख ग घ र ये क बन च छ ज झ य ये च बन है ट ठ ड ढ ट बन ये जो पांच है ट बन इसमें और दो जोड़ा गया है अड़ा अड़ ये जो है अतिरिक्त व्यंजन है अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं जिस शब्द का शुरुआत नहीं होता लेकिन इसे वर्णमाला में हम को जोड़ा देना है। अब इसके बाद के हम बनाते हैं तो थो द ध तवर्गना जो ऊपर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं तो से लेके तवर्गना तक है जो देख रहे हैं ऊपर इसे कहते हैं तर। अब उसके नीचे आइए प फ ब भ म प से म तक ये जो आप देख रहे हैं इसे प बना उसके नीचे आइए य र ल व फिर उसके नीचे आइए तल स मूर्धन स धन स ह ये जितना है यहाँ से बताया गया अ से लेके ह तक फिर उसके नीचे आइए संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन चार होते हैं कौन कौन होते हैं ये बताते हैं छ त्र ज्ञ स्र उसके नीचे आ गई आवाज व्यंजन दो होते हैं ज और फ ज के नीचे जो बिंदु देख रहे हैं फ के नीचे जो बिंदु देख रहे हैं उसे नुक्ता कहते हैं अब सभी इतना भी मिला देंगे ये आप देख रहे होंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह इस प्रकार से सजाया हुआ है क्रमबद्ध सही ढंग से सजाया हुआ है जिसे हम आपको बताए हैं कि वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं या फिर जब सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं तो सभी वर्णों को सही ढंग से प्रस्तुत किया होता है दर्शाया हुआ होता है प्रस्तुत करने का मतलब होता है दर्शाना तो पूरा दर्शाया हुआ है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे तीसरा नंबर जो आपको ध्यान देने की जरूरत है आप ध्यान दीजिए क हलंत देख रहे होंगे क हलंत ख हलंत ग हलंत ये जो क हलंत ख हलंत ग हलंत आदि वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते और इनको बोला भी नहीं जा सकता है लेकिन इन्हें बोलने योग बनाने के लिए इनमें कोई ना कोई स्वर मिलाना होता है जैसे आपको बताते हैं ये क हलंत जो है ये व्यंजन तो व्यंजन के साथ ओ जो है स्वर व्यंजन के साथ स्वर मिला देने से क बनेगा तो इसे क बोलने योग्य बनाया जा सकता है ये बताया हुआ है तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि हलन लगने का क्या कारण है। इसके बाद वर्णों के प्रकार तो वर्णों को तीन भागों में बांटा जाता है पहला स्वर दूसरा अयोगवा तीसरा व्यंजन यहाँ पर हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं स्वर है अ से अ जैसे हम बोले अ तो अ है जो मुख से यहाँ पर बताया हुआ है कि मुख से हवा जो है किसी रुकावट के बिना निकलती अ बोलने के कारण जैसे हम बोले अ अकार आ तो यहाँ पर भी इन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती जैसे हम आपको यहाँ बता दें